वेलकम बैक पीएचआरमी टू द चैनल, जहाँ पे गाइस आज एक बार फिर से अपन स्टार्ट करने वाले एक नया गेम जिसका नाम है पोकेमोन मेमोरीज। और भाई इस गेम के अंदर अपन को मिलने वाला है नया रीजन, नई स्टोरी लाइन और नए नए बेहतरीन बेहतरीन पोकेमोन। आपको इस गेम के अंदर भाई मिलने वाले जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 8 तक के, नहीं जनरेशन 9 लेटेस्ट है, तो जेन 9 का भी पोकेमोन मिलेगा भाई, क्योंकि ये गेम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है भाई, काफ़ी बढ़िया गेम है भाई, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे आपको भाई। मतलब कांटो से लेके पालिया तक के पोकेमोन मिलने वाले भाई, साथ में आपको मेगा एवोल्यूशन वगैरह जो भी है वो सब मिलने वाला है, साथ ही साथ हिसुइन फॉर्म्स वगैरह जो भी है सब मिलेगा। बस एक मतलब एक ही दिक्कत है इस गेम के अंदर, और वो जो है ना वो ये है कि इस गेम का जो लैंग्वेज है वो अपन को इंग्लिश में नहीं मिलने वाला, वो अपन को स्पेनिश में मिलेगा। स्पेनिश पोर्टुगीज, जितने भी बेहतरीन गेम्स बनते ना, मतलब 10 में से जो 6 गेम होते हैं, 6-7 गेम वो स्पेनिश लैंग्वेज में ही बनते, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा है ना कि स्पेनिश की जो कम्युनिटी है ना पोकेमोन की, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल पे एक्टिव रहती है, और वो लोग बहुत ज़्यादा गेम्स वगैरह बनाते रहते भाई। अरे यार यहाँ पे गाय में मैंने लड़का ही चुन लिया, वैसे मैं लड़का ही हूँ तो लड़का ही चुनूँगा। बाकी यहाँ पे चलते हैं भाई, ओके नाम लिख दें, चलो। और भाई स्पेनिश में ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनको मैंने मतलब देखा है, मैं सच में खेलना भी चाहता हूँ, बट उनकी लैंग्वेज की वजह से मैं उनको नहीं खेलता भाई, मतलब कुछ समझ में इतना आएगा नहीं फिर भाई, मतलब मज़ा नहीं आएगा ना फिर उतना, इसके लिए नहीं खेलता। बाकी ऐसे बहुत सारे गेम्स है भाई स्पेनिश में जिनको मैं खेलना चाहूँगा। और ये राइवल इस बार लड़की है, तो फिर मेरे नाम मतलब मेरे दिमाग में ऐसा लड़की के लिए कोई राइवल नेम तो नहीं है, बट अपन देखते हैं अपने इसको क्या नाम दे यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी जो मेरे को छोड़ के चली गई, उसका नाम रख के उसको धोए, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। क्या रखोगे इसका नाम, क्या रखूँ भाई, कौन सी ऐसी लड़की है जिसको मारने का मन करता हूँ वैसे मर्द लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, और लड़कियों के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, वो सबके ऊपर हाथ उठा देती है भाई, उनको कोई ऐसा नहीं है। अपन इसका नाम रखेंगे ना, चलो अपन इसका नाम रख देते हैं, क्या रखे हुए अपन इसका नाम रखेंगे मिस्टी, चलो मिस्टी, अबे मिस्टी रखना है। वैसे मिस्टी को एक्चुअली मैं मारना नहीं चाहता, एक्चुअली मैं ना इसका नाम अपन रखेंगे डॉट 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 गर्ल, हाँ डॉट गर्ल, पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में, एक्चुअली में फुल स्टॉप लगाना लगता है ये लो, अरे फुल स्टॉप लगाना है, हाँ डॉट अब सही है। चलो अपन ने अपनी राइवल का नाम रख दिया डॉट, और मैं मिस्टी रखने वाला था, बट मैंने सोचा भाई मिस्टी से क्या ही पंगे लेंगे भाई, वो गाइडोस भेज देगी तो वाट लग जाएगी, इसके लिए मैंने सोचा डॉट रख देते। बाकी मेरे को खुद को पता नहीं चल रहा है मैंने क्यों ऐसा नाम रखा भाई, मेरा दिमाग कहाँ से क्या सोच लेता है मेरे को खुद को समझ में नहीं आता। बाकी गाइस इस गेम के अंदर आपको काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स मिलने वाले, जैसे कि भाई हिसुइन फॉर्म्स मिलने वाले पोकेमोन के, पालियन फॉर्म्स, मतलब भाई जेन 9 के पोकेमोन मिलेंगे तो पालियन फॉर्म्स हो ही गई वो, बाकी भाई नया रीजन नई स्टोरी लाइन है वो आपको दिखा दूंगा। बाकी बातें वगैरह कुछ समझ में अपन को आने से रही, बट फिर भी अपन बात करेंगे, क्या पता कुछ आइटम्स मिल जाए भाई। चलो चलते हैं आगे, ये देखो रीजन की शुरुआत हो गई, और देखो एनिमेशन भी ठीक ठाक ही है, और प्रोफेसर वो अपना इंतजार कर रहे भाई, अपना कैरेक्टर भी नया है भाई गेम के अंदर, ये देख लो भाई बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया ही लग रहा है भाई। चलो हेलो वेलकम बैक प्रोफेसर ओक, कैसे हो आप, बड़े दिनों बाद हमसे मिल रहे हो और भाग भी रहे हो भाई, ऐसा क्यों किया आपने। ये देखो यहाँ पे एक आइटम, ओ मैपा मिला, मैपा मतलब टाउन मैप, स्पेनिश में मैप को मैपा बोलते होंगे, ओके। ये शायद से मेरी राइवल है क्या, पता नहीं भाई, हो सकती है, व्हाट्सअप बड़े शू शू शा, पता नहीं क्या बोला उसने, मैं भी थोड़ा बहुत चाइनीज़ बोल लेता हूँ चाइनीज़ चलो कोई बात नहीं। व्हाट्सअप साइडक बेबे, बेबी ज़्यादा बोल गया मैं, बेबी थोड़ी बन सकते हो भाई। आई डोंट नो स्टार्टर्स कैसे मिलेंगे, आई रियली डोंट नो यार कैसे मिलेंगे स्टार्टर्स, मम्मी से बात वगैरह करने क्या मेरे को, आई थिंक सो मिल जाए, क्या पता क्या चल रहा है गेम के अंदर, कैसे मिलेंगे भाई स्टार्टर्स। प्रोफेसर हो मैं कौन से कोने जाऊँ जिससे आप आओ इधर, अबे हट जाओ, मेरे को लग रहा है सारे घरों में भाई हल्ला बोल देते पहले एक बार, जो होइल देखा जाए, ओके हेलो। लड़कियाँ अच्छी होती है, लड़की ख़तरनाक होती, अरे रैपिडा, रैपिडा मतलब फास्ट होगा, थोड़ी बहुत स्पेनिश आती मेरे को, अच्छा ये 10 वाला ये सही, चलो नहीं भी मेरे को स्पेनिश नहीं आता भाई, वो तो मैं तुक्का मार रहा हूँ, तुक्का मारना बहुत आसान काम है, और तुमको मारना तो और आसान काम होगा भाई। अबे किधर क्या दिक्कत क्या है, वेट 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 में क्या गलत,
भाई साहब, अबे यार स्टार्टर्स तो ऐसे ही मिल रहे, मतलब अब एक स्पैनिश में ना मैं पढ़ नहीं पाया कि भाई स्टार्टर्स दे रहे कि नहीं, तो ये मेरे से दिक्कत हो गई भाई, सॉरी। यहाँ पे राउलेट हैं, सिंडक व्हील हैं एंड ऑसो वॉट है, तो अपन लेंगे ऑसो वॉट सोडो लगा। ओके, मैंने डिसाइड कर लिया अपन लेने वाले हैं इसको, सिंडक व्हील को। चलो आगे बढ़ते, मैं भूल गया था ये फायर रेड का रोमैंग नहीं है भाई। अब क्या, अब मेरे ख्याल से मॉम से मिलने जाना है हमको एक्चुअल में, थिंक सो। मैंने इसको हल्का सा खेला था ऑफलाइन में, मतलब घाई गाय में, मतलब देखने के लिए कि इसके अंदर एक्चुअल में न्यू रीजन वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो है भाई एक्चुअल में न्यू रीजन वगैरह है, तो चलो देखते हैं। अबे यार चढ़ जा चढ़ जा, स्टार्टिंग में ही वैसे दिक्कत हो गई भाई, मतलब स्टार्टर बुक सामने रखा था, मैं ले नहीं पाया उसको। अब इनका क्या दिक्कत है यार? अच्छा प्रोफेसर से बात तो नहीं करना है। होला होला होला, अरे पोकेबॉल्स मिल गया। ओके, ये एकदम छोटा सा चीज़ करने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया भाई, जो मेरे मतलब क्या बताओ। छोड़ो, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। कैसी हो नस जो है का यहाँ पे होना हमको ये संकेत दे रहा है कि थोड़ी ट्रेनिंग कर लो। नहीं मैं समझदार नहीं हूँ, बट कभी कभी मेरी बुद्धि काम कर जाती है और मैं समझदारी भरे काम कर लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते, कोई पोकेमॉन चेकआउट कर लेते, कोई मिल जाए। और मैं ट्राई करूँगा ना, मैं सभी के सभी जेन 9 की बुकिंग ही पकड़ूँ भाई, जिनको मैं एक्चुअल में जानता ना हूँ। वैसे मेरे को जेन 9 की बुकिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं, मेरे को एक ही पता भाई, कैप्टन पिकाचू। मानना पड़ेगा भाई, पिकाचू इज़ द बॉस भाई। ड्रैगन हेड को उसने हराया, जिगेंटामैक्स चार्जर को भी उसने हराया, ऐस को जब भी चैंपियन बनाया है ना उसमें से पिकाचू का मोटा मोटा हाथ रहा है भाई। अलोला को छोड़ के बाकी सब में भाई पिकाचू का मोटा हाथ रहा है भाई। ऑरेंज आइलैंड्स में देख लो, एक मिनट, आइटम है वहाँ पे बट नहीं ले सकते, दो दो आइटम क्या। पोके बॉल्स, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। ये मेरी राइवल है मेरे, अरे डॉट है भाई ये, डॉट कैसी है डॉट? अच्छा इसका पहला बुक है नहीं, हुलू जो कि जेन 8 का बुक है ने भाई। चलो बढ़िया है, उसके पास जेन 8 का बुक है ने भाई, अपने पास सिंडक व्हील जेन 2 का बुक है ने भाई, जोटो का स्टार्टर। कोई बात नहीं, अपन पहले आए थे बे दुनिया में, अपने कदम पहले पड़े थे, इसके लिए दुनिया इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, दुनिया जानती है हमको हमारे नाम से। अरे फेंट हो जा भाई, ज़्यादा मत पंचायत कर। अरे यार व्हाट्सअप बड़ी क्या कर दिया तूने, नहीं नहीं अटैक नहीं। ओ माई गॉड, सी हैज़ दिमाग, इसके पास भेजा है जो कि फ्राई करके खाने लायक है, मतलब इसने दिमाग लगा कि मेरे को आ रहा है, बाकी उसके पास कोई ऐसा दिमाग नहीं था। उसने मेरे पहले पूरा डिफेंस कमज़ोर कर दिया, डिफेंस नहीं अटैक से ऐसे कमज़ोर किया, जो भी किया उसने मेरे को समझ में भी नहीं आया क्या किया उसने। बाकी यही दिक्कत होता है भाई स्पैनिश में ना। देखो मेरे को एक चीज़ ये सही लगता है स्पैनिश में, जो कोई कोई गेम होते हैं कि चलो बाकी सब चीज़ अच्छा है स्पैनिश में, बट अटैक्स वगैरह इंग्लिश में हो तो वो समझ में आते भाई। इसमें अटैक्स वगैरह भी सब स्पैनिश में भाई, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वही है, बाकी तो कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है भाई, मतलब बाकी सब चीज़ें दुनियादारी स्पैनिश में हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप अपने लैंग्वेज में गेम बना रहे हो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, बट भाई जो अटैक्स वगैरह है उसको थोड़ा इंग्लिश में कर दिया करो, थोड़ा ऐसा बाहर देश वाले भी खेल सके ना भाई। आप ऐसा पूरा उनको नॉकआउट ही कर दे रहे हो भाई, सब कुछ स्पैनिश में डाल के, तो ये थोड़ा सा चीज़ नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलता है, इतना नॉर्मल है भाई, उनकी बात वो जाने भाई, हमको क्या करना है। और उनकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इतनी एक्टिव है, तो फिर वो क्या ही करेंगे भाई, बाहर देश वालों से क्या ही मतलब है उनको। पिकाचू आया बट कैप्टन पिकाचू नहीं आया, अपन पोकेमॉन नहीं पकड़े ना, पिकाचू पकड़ने की कोशिश करते। चलो ओके, यहाँ पे पकड़ के यहीं पे हील कर लेते। ओके चलो फिर आगे चलते, 15 पोके वाले भाई अपने पास, बहुत मतलब कम गेम्स में ऐसा होता है कि अपने को इतने सारे पोके वाले स्टार्टिंग में मिल जाए। चलो आ गया पिकाचू, बहुत बढ़िया, 4 लेवल का ये, बट ठीक है 4 लेवल भी कम नहीं होता। अपन चलते, अब की बार राइवल को धो देंगे अपने, यहीं पे आती है वो, आ जाओ डॉट, तेरे को सच में मार के शून्य कर दूंगा मैं। शून्य और डॉट में फ़र्क होता है, डॉट एक सेंटेंस को एंड कर देता है और शून्य भाई शुरुआत होता है। अगर कोई बोले ना जीरो पहले आया कि वन, एक्चुअली में ना जीरो ही पहले आता है, बिकॉज जीरो मतलब देखो जीरो का सबसे मेन रूल क्या पता है, वो आपको भाई गंदा मतलब जीरो ऐसा बीच का लकीर है ना जो आपको गंदा और बुरा होने में मतलब बचाता है। अगर आप नेगेटिव गए मतलब माइनस में गए समझ जाओ आप बुरे हो गए, और अगर आप पॉजिटिव में तो समझ जाओ आप अच्छे हो गए। तो जीरो एक लकीर है जहाँ से शुरुआत होती है अच्छे और बुरे की, ऐसा बोल सकते हो। पता नहीं मैं क्या क्या सोच के क्या कुछ भी बना के अपना खुद भाई थ्योरी बना के डाल देता हूँ, बट मेरे को पता नहीं भाई, मेरे को अच्छा लगता है सब करने में।
और इलॉजिकल थियरीज बनाने में मेरे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई। हाँ नहीं, दिमाग जब आप कुछ भी ऐसा कुछ भी ख़तरनाक सोच रहे हो ना, तो समझ जाओ आपका दिमाग ज़िंदा है भाई। क्योंकि जिसका दिमाग सोच नहीं सकता, कुछ थियरी बना नहीं सकता, उसका दिमाग ज़िंदा हो कि भी क्या है भाई, कुछ दम ही नहीं है दिमाग में। अरे यहाँ पर पहला टाउन आया, काश पहले जिम भी आ जाए। अरे भैया चल तेरी भैंस की टांग, बात नहीं कर रहे। मैं घूम फिरा के उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पीछे दाएँ बाएँ हो रहे भाई। ए चल चल। हेलो मैम, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल? नो। ठीक है कोई बात नहीं, हम ब्यूटीफुल लड़कियों से बात करते हैं और रुकते हैं उनके मतलब बात करने के बाद। अगर आप ब्यूटीफुल नहीं है तो हम आपसे बात करके भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो रोकती है हमें। जाना किधर है भाई? मैंगो बॉय, ओ मैंगो बॉय, मैंगो बॉय। मैं अपने फ्रेंड को मैंगो बॉय बोल दो, पता नहीं क्यों मज़ा आता है, मज़ा आता है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उससे आपको नहीं मिलाऊंगा, बोलोगे तो भी नहीं मिलाऊंगा, नहीं बोलोगे तो फिर बात ही अलग है। पता नहीं भाई उसको मैं क्यों बोलता हूँ, मैंने उसका नाम मस्ती मस्ती में उसको मैंने मैंगो बॉय बोलना शुरू कर दिया। अब मेरे को कहीं भी दिखता ना मैंगो बॉय, चल चलते, मज़ा आता है चिढ़ाने में उसको। उसको बुरा भी नहीं लगता ना, इसके लिए ज़्यादा मज़ा आता है भाई। अगर किसी को बुरा लगे ना तो फिर नहीं चिढ़ाने का भाई, बंदे को बुरा लगे तो फिर कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगे ना उसको चिढ़ाने का, वो बहुत स्टाइल मारता है। अरे मेरे को तो बुरा नहीं लगता, नहीं लगता। चल ठीक है, तेरे को पछतावा होगा बाद में, नहीं लगता तू इतना चिढ़ाने का, इतना चिढ़ाने का कि वो उसको बुरा लगने लग जाए, फिर पता चलेगा कौन है असली सिग्मा मेल। ठीक है फाइव डबल टैक्स सीख ले जल्दी। वैसे ये प्लांटो हॉला हो, अच्छा ये स्मोक स्क्रीन है बे। स्मोक स्क्रीन स्पीड कम करता है कि एक्यूरेसी कम करता है? एक्यूरेसी कम करता है शायद से। और इस ये खा पॉइजन। पॉइजन कौन खाता है भाई? पॉइजन सूंघते, सॉरी नहीं पॉइजन खाते भी है भाई, जहर। मेरे को एक बात नहीं पता चलता भाई, जब जहर से मरते तो मतलब जहर कौन बेचता है? गवर्नमेंट क्यों बेचती, क्यों है जहर? ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना जो गलत है, बट फिर भी गवर्नमेंट उस चीज़ों को करती है, क्यों करती है भाई? पैसे कमाने के लिए। या दारू बेचना गलत बात है, दारू पीना गलत बात है। गवर्नमेंट रूल लगाती है कि दारू बैन हो जाए, बट गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से पता है कि बंदे ब्लैक में उसको ख़रीदने वाले और दुगना पैसा देंगे, तो फिर गवर्नमेंट फिर भी मतलब क्या बोल सकते भाई, छोड़ो जाने दो। देखो दुनिया में ना जितनी भी बुरी चीज़ें, दारू सिगरेट गांजा ये वो, उसके ऊपर आप कितना भी बैन लगा दो बिकने वाली है, वो बिकने ही वाली है। और इधर और उनका प्राइस कितना भी कर दो वो बिकने ही वाली है। और इधर अगर आप सब्ज़ी वगैरह है ना उसके ऊपर एक रुपया भी भाई महंगाई कर दोगे ना, मतलब एक रुपया भी भाव बढ़ गया, पूरा देश लगेगा चिल्लाने भाई, पूरा देश आदमी औरत सब चिल्लाने लगेंगे एक रुपया भी महंगा हो गया। उसे एक रुपया कम बोल दिया, बट आप लोग समझ पा रहे हो कि मेरी फीलिंग में क्या बोलता हूँ। बट अगर दारू वारू की पर मतलब 10 रुपया भी महंगा होगा ना, घर बेच के पियेंगे उसको, पता है इतना दम होता है दारू के अंदर भाई, क्या बताऊँ मैं। ज़्यादा ही रील्स वगैरह में देखने लगा मेरे को, बहुत अच्छे अच्छे रील्स आ जाते कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, वेलकम क्लिफेरी, आ जा मेरी टीम में। तुझे लेके चलूँ मैं, कहाँ लेके जाऊँगा यार, टिकट के पैसे नहीं है वैसे मेरे पास। कोई है डोनेट करने वाला? इस एनी बडी देर हु कैन डोनेट मी द प्राइस, हु कैन डोनेट मी द मनी फॉर टू बाई अ टिकट? हमारी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, बट हमको बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिकॉज जो हमारे साथ हैं ना बंदे उनकी तो हमसे भी कमज़ोर है। जब आप किसी चीज़ में अच्छे हो और आपके सामने वाला उस चीज़ में ख़राब है, तो आपको डरने वाली क्या बात है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो आपसे कुछ सीख जाएगा और क्या, वो आपकी मजाक थोड़ी उड़ा पाएगा जब उसको खुद ही वो चीज़ नहीं आता। हाँ ये बात अलग है, अगर वो सीख गया तो फिर अच्छे से मजाक उड़ाएगा, बट तब तक भाई क्या आप लोग नल्ले बैठे रहोगे? प्रैक्टिस कर करके खुद भी सीख जाना ना। अरे मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कहाँ लेके जा रहे जंगल। जंगल में आज मंगल करेंगे, मंगल करने के लिए कोई तो चाहिए, बट यहाँ पे मैं हूँ। अरे छुंटू मुंटू बच्चे, इनके साथ कौन क्या ही मंगल करेगा? एवरीबडी समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी दिक्कत नहीं है भाई, तुम बच्चे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। बड़े हो जाओ भाई, बड़े हो जाओ, पेंट हो जा भाई। तू मत बढ़ाओ ना, तू बढ़ाओगे तो वेल वी जस्ट गॉट फेंटेड। ओके ये मैं भूल गया था कि पोकेमॉन सेंटर में आ चुका, मेरे को लगा घर पे जाऊंगा सीधा, बट या पोकेमॉन सेंटर में आया, काफ़ी पीछे पछाड़ दिया भाई।
वेट, पिछली बार अपन वहाँ पे गए थे, इसकी बार यहाँ पे ट्राई कर ही लेते क्या है। होला क्या 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 क्या, क्या भाई क्या क्या सिखाना क्या चाहते हो आप? अच्छा निकनेम रेटर, रुके तेरी भैंस की टंगड़ी काली हो जाए, काली होगी वैसे तो। भाग 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 भाग। ओहो ये देख रहे हो कितना मस्त स्टाइल से रखा है भाई, कौन है? पक्का लड़की का काम होगा ये, लड़के तो ऐसा नहीं है, वो किधर भी फेंक देते। जल तेरी भैंस की टांग, लड़कियाँ उसको पहले मेकअप करेंगी, पाउडर पोतेगी, क्रीम लगाएंगी। और ये बंदा कौन है यार? ओहो गैरी, गैरी भी है भाई, क्या बात है, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई गैरी ओ की यहाँ पे है। व्हाट्सअप गैरी क्या है भाई? बल्बासोर भेजा, अरे मैंने गलत अटैक मार दिया, बट कोई बात नहीं, एडवांटेज जब हो ना और जब आपका लेवल भी ज़्यादा हो तो फिर ऐसी छोटी मोटी गलती आप जानबूझ के भी करने लगते हो। बाय बाय गैरी। अच्छा अरे ये यहाँ पे ओ हो, अच्छा यहाँ पे मेरे को लगता है ना सारे स्टार्टर्स मिलने वाले भाई। अरे भाई सभी के सभी स्टार्टर्स मिल रहे हैं भाई। पकड़ते हैं क्या भाई? पकड़ते, चलो एक दो पकड़ के रख लेते, काम आ जाएंगे। इतने सारे पोकेबॉल्स, अच्छे मेरे को आप समझ में आए, इसीलिए मिलते भाई, क्योंकि गेम क्रिएटर को ये बात अच्छे से पता था कि स्टार्टर्स को सब पकड़ने वाले भाई, इसीलिए उसने भाई इतने सारे पोकेबॉल स्टार्टिंग में ही दे दिया अपन को। और मेरा राइवल भी यहीं से स्टार्टर्स पकड़ा है मेरे को लगता है, मतलब अभी तक इस गेम में अपने दो राइवल हो गए, एक गैरी और एक वो लड़की डॉट, उसका नाम मैं नहीं भूलूंगा, डॉट 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 डॉट। पागलपंती करने की अलग ही फीलिंग है भाई, क्या मज़ा आता है, ऐसा लगता है हम फिर से बच्चे बन गए। ओहो क्या बात है, कौन कौन मेरे साथ बच्चा बनना चाहता है? अगर मैं गलती से टाइम मशीन मैं नहीं बना पाऊँगा, अगर आप में से कोई टाइम मशीन बनाता ना भाई प्लीज़ मेरे पास ज़रूर लेके आना भाई, हम दोनों साथ में अपनी चाइल्डहुड लाइफ में जाएंगे, ठीक है? डील, हम पक्की डील, पक्की डील। चलो अबे तेरी तो मार खाने का क्या, ये ले। नहीं तो इतना पोकेबॉल बर्बाद करवाया, नहीं चाहिए मेरे को बल्बासोरस। चार्मेंडर है मेरे पास, मेरे को चार्जर्ड पसंद है भाई। ब्लास्टोइस इज़ अ काइंड ऑफ गुड पोकेबॉल, बट जब उसको आना ही नहीं है तो हम क्या तेल लगाएंगे उसको भी? तेल खत्म, कि तेल बहुत महंगा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत। तेल, दाल और आटा, आसमान फाड़ के दुनिया चीर के अंतरिक्ष छू रहे भाई, ज़्यादा बड़ा डायलॉग मार दिया भाई मैंने, बट सही बोल रहा हूँ भाई, बहुत 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 महंगा ये, बहुत। मेरे को तो ऐसा लगता है ना कुछ टाइम बाद पता है क्या करना पड़ेगा, अभी तो लोग ऐसे ही फटेले कपड़े पहन रहे, कुछ टाइम बाद सबकी नौबत ही ऐसी आ जाएगी कि फटेले कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, जानबूझ के नहीं मजबूरी में, इतनी महंगाई बढ़ रही है तो। नहीं ऐसा हो सकता ना, मतलब महंगाई देख रहे हो, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, आप लोग मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन कहाँ होता है? जितने भी लोग होंगे ना जो थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करेंगे उनको पता होगा, ऐसे पढ़ाई में तो कुछ घंटा को सिखाते हैं, बट जितने भी लोग होंगे थोड़ा बहुत एक्टिव होंगे उनको पता चलेगा, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ती है पता है? सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तीन चीज़ों में बढ़ती है भाई इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा, एक अपना है हेल्थ, मेडिकल भाई मतलब पता नहीं कौन से लेवल पे भाई बढ़ रहा है, जो दवा मतलब जो इलाज पिछले साल 1 लाख का हो रहा होगा वो इस साल भाई 1.5 लाख का हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे हो गया, ठीक है? और एजुकेशन देख लो अपना, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा, बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन, ये कोने में काफ़ी अच्छा है भाई लड़का, बंदा लड़का है कि लड़की मेरे को वो पता नहीं, बट काफ़ी अच्छा लुक है उसका, ऐसा रॉकस्टार पॉपस्टार लग रहा है मेरे को भाई। रॉकस्टार और पॉपस्टार में क्या फ़र्क होता है मेरे को वो भी नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा हूँ बट मेरे को नहीं पता भाई, और पढ़े लिखे में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो शर्माते नहीं है, उनको नहीं पता तो नहीं पता भाई, यही मतलब मेन फ़र्क यही होता है कि पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में ये होता है कि पढ़े लिखे को पता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो चीज़ एक्सेप्ट करके तुम्हें उसके बारे में पता लगाना चाहिए, और अनपढ़ लोग भाई सोचते अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अबे क्या घंटा बेइज्जती होगी भाई, बुक में लिखा है नहीं पता पढ़ ले बाद में पता चल जाएगा, इसमें क्या बेइज्जती होगी बे। ओके रेप्टेर एक्सपी, मेरे ख्याल से एक्सपी शेयर दिया भाई। हेलो भाई इस गेम के अंदर अपने तीन राइवल हो गए, एक डॉट और एक गैरी और एक ये जो बंदा आया था वो, एक्सपी शेयर मिला तो उसको ऑन तो करना पड़ेगा ना। है पुराने ज़माने का एक्सपी शेयर है क्या ये, क्या पता देखेंगे ट्राई करके एक बार।
अपन को ना उस जंगल में ही जाना है भाई, जंगल मंगल में, जंतर मंतर नहीं, जंगल मंगल। चलो जंतर मंतर भाई, रेसलर्स प्रोटेस्ट चालू है। अब एक दिक्कत क्या है पता, मैं सच में अपना ओपिनियन दूँ ना तो जो भी एक्शन लेने चाहिए ना गवर्नमेंट को, वो नहीं ले रही है गवर्नमेंट। बिकॉज अबे भाई मतलब इंडिया के इतने बड़े लोग हैं, वो इंडिया के लिए मेडल्स वगैरह ओलंपिक्स में जीत के लाए, वो भाई इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके ऊपर कोई अगर मतलब कुछ भी सवाल उठ रहा है, कुछ भी वो मतलब मांग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता भाई उनकी मतलब जो क्वेश्चन है, जो भी उनका केस है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाए और फटाफट एकदम हो जाए भाई। बिकॉज वो अपनी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते भाई, अब उनकी नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे यार। अब मेन दिक्कत क्या होता है ना, गवर्नमेंट भाई ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी में से कोई भी बंदा ख़राब निकले, वरना फिर पूरी पार्टी का नाम ख़राब होगा। तो इसे पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है भाई, बहुत गंदी चीज़, पॉलिटिक्स और पैसा, हद से ज़्यादा पैसा और पॉलिटिक्स, बहुत गंदी चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मानो तो भाई उतना ही पैसा कमाओ जितने में खुश रह पाओ, ज़्यादा पैसा कमाओगे तो फिर ज़्यादा बड़ी दिक्कतें में आएंगे, तो उसमें मतलब नहीं है भाई। तो उतना ही कमाओ जितना जितने में खुश रह सको भाई। बाकी गाइस आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपन एक काम करेंगे, आज तो अपन ने काफ़ी कुछ काम किया भाई, दो तीन राइवल को भी हरा दिया, स्टार्टर भी मिल गया, गेम भी अपन ने स्टार्ट कर ही दिया। नेक्स्ट टाइम अपन भाई केव को पार करेंगे, बाकी मेरे को थोड़ा आइडिया भी नहीं है कि केव में क्या करना है, कैसे क्या करना है। एक बार मैं जाके पिट के आया था, बट अब की बार नहीं पिटूंगा। बाकी गाइस ये नया गेम आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बता देना। आई होप सो आप लोगों को भाई ये नया गेम पसंद आएगा। बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय सभी को, हैव अ गुड डे।